नेटफ्लिक्स पर जिस प्रकार कांधार विमान अपहरण कांड को लेकर के एक फिल्म प्रदर्शित की गई, यह घोर निंदनीय है। मेरा मानना है कि बॉलीवुड के अधिकांशतः निर्माता निर्देशक या तो हिंदू विरोधी हैं या राष्ट्र विरोधी हैं। तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं है कि तुम मुस्लिम नामों को उजागर कर सको? हिंदुओं के नाम, हिंदुओं के आराध्य देवताओं के नाम अपहरणकर्ता के रूप में तुम रख रहे हो। क्या दुनिया को नहीं पता है कि अफगानिस्तान में कौन रहता है? तालिबानों में किन लोगों ने विमान का अपहरण किया था? इस प्रकार के कृत्य के लिए मेरा मानना है कि भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय संज्ञान लेकर के ऐसे लोगों पर धार्मिक वैमनस्यता फैलाने और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए कि जो लोग तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उसे अखिल भारतीय संघ समिति बर्दाश्त नहीं करेगी। आवश्यकता हुई तो हम व्यक्तिगत भी मुकदमा दर्ज कराएंगे ऐसे निर्माता निर्देशकों के खिलाफ, क्योंकि ये देशद्रोही और सनातन धर्म के द्रोही लोग हैं जो विभिन्न मुखौटों में, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल के मुखौटों में छिपे हुए हैं।